मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र योगेश गौड़ रेड बुक किट और मेरे यूट्यूब चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब कभी भी हमारे अधिकारों का हनन होता है या हमारे प्रति कोई अत्याचार होता है या हमें किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है तो हमें न्यायालय की शरण लेनी होती है। लेकिन कानून की जानकारी न होने तथा न्यायालय की प्रक्रिया का ज्ञान न होने के कारण हमें अपना मुकदमा न्यायालय में दायर करने तथा अपने विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे में अपना बचाव करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करना पड़ता है। लेकिन गरीब तथा असहाय व्यक्ति अधिवक्ता की प्रारंभिक फीस तथा प्रति तारीख की फीस वहन नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम बिना फीस दिए अधिवक्ता कैसे नियुक्त कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल आपका वकील सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A भारत के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक बात खत्री एंड अदर्स बनाम बिहार राज्य 1981 SCC 627 के निर्णय में यह मत व्यक्त किया कि जब कभी भी किसी न्यायाधीश के समक्ष कोई निर्धन अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर तथा किसी प्रकार से अक्षम व्यक्ति प्रस्तुत किया जाए तो सर्वप्रथम न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त को विधिक सहायता मिल रही है या नहीं। यदि नहीं मिल रही है तो उस व्यक्ति को राज्य के खर्चे पर निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मित्रों, जब कभी भी पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस का यह दायित्व तो होता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों की जानकारी प्रदान करें, जिसमें निशुल्क विधिक सहायता भी सम्मिलित है। भारत सरकार गरीब तथा असहाय लोगों के लिए निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराती है, जिसके लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय दिलाना है। इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक SC ST के व्यक्ति, महिलाएं एवं बच्चे, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे बाढ़, विकलांग तथा वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम है, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वे इस अधिनियम के तहत निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा प्रत्येक जिले में विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है। यदि आपका मामला उच्चतम न्यायालय का है तो आप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में, और यदि आपका मुकदमा हाई कोर्ट में है तो आप उस राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण में, और यदि आपका मुकदमा आपके जिले के किसी न्यायालय में है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आपको विधिक सेवा प्राधिकरण में अपनी परिस्थिति लिखते हुए कि आपको क्यों निशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है, एक प्रार्थना पत्र देना होगा। उसके साथ इसी आशय का एक एफिडेविट तथा अपना इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा तथा उसके साथ में अपने पहचान पत्र की एक प्रति देनी होगी। यदि आपका प्रार्थना पत्र स्वीकृत हो जाता है तो आपके केस के लिए एक अधिवक्ता निशुल्क नियुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात आपको उसे एक भी रुपया नहीं देना होगा। केस पर होने वाला खर्चा जैसे कोर्ट फीस का खर्चा,
कागजों का खर्चा आदि केस से जुड़े सभी कागजातों की कॉपी आपको निशुल्क दी जाएगी। आपके केस से संबंधित वह आवश्यक कागजातों को तैयार कर प्रिंट भी कराया जाएगा। और यदि निर्णय की भाषा का आपको ज्ञान नहीं है तो आपको निर्णय की भाषा में ट्रांसलेट करके वह निर्णय दिलवाया जाएगा। लेकिन यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि यदि आपका मामला मानहानि, अदालत का अवमान, चुनाव से संबंधित कोर्ट कार्रवाई या राज्य संपदा को नुकसान से संबंधित है, या आपका मामला ऐसा है कि जिसमें 50 रुपए से कम दंड का प्रावधान है, तो आप विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप न्यायालय में भी निशुल्क सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार आप फ्री में अपने केस के लिए वकील चुन सकते हैं, विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं और केस पर होने वाले खर्चे भी विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में शेयर करना न भूलें, जिससे कि उन्हें भी नए नए कानूनी टॉपिक्स पर जानकारी मिलती रहे। और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, मैं आपकी हर समस्या का निशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गॉड एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।